नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अभी आप लोगों को हमारे यहाँ का ज्यावरली नदी की ओर लेके जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कुछ दिन पहले फ्लड को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन किया है, तो आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ। आगे के बातें वहाँ जाकर करूँगा। धन्यवाद। मैं अभी आ चुका हूँ उस जगह में। जो दोस्तों, यहाँ से आपको जो भी मेरे पास जानकारी है आपको देने के लिए कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और बताया जा रहा है कि असम में पहली बार आया है और असम में दो तीन जगह में और भी हो रहा है ये फ्लड। ये सारे प्रोजेक्ट है जो है ये फ्लड को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है दोस्तों। तो हमारा तरफ से हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी को धन्यवाद। को ये नदी का जो तल है दिन ब दिन उथला होता जा रहा है और जिसके वजह से यहाँ पे जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है वो घटती आ रही है, तो इसी को ड्रेगिंग किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर तक ड्रेगिंग किया जाएगा। और दोस्तों, तो दोस्तों यही है ज्यावरली नदी जो हमारा घर से करीब 4 किलोमीटर दूर है। यह नदी मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश से होकर असम को आती है दोस्तों, और यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी का एक उपनदी है दोस्तों। इसी को कामेंग रिवर या फिर हमारा यहाँ पे असम में इसको ज्यावरली नदी के नाम से हम जानते हैं। धन्यवाद। आगे का भी कुछ दृश्य दिखाने का इरादा था लेकिन कुछ परमिशन ना होने की वजह से आगे मैं जा नहीं पाया। उसके लिए मैं खेत पर कट करता हूँ। अगर किसी दिन मौका मिले तो ज़रूर आप लोगों को आगे का दृश्य भी दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो आप दिख रहे हैं ये नदी के अंदर से आ रहा है। लगभग 2-3 किलोमीटर उधर ही है, ये जो पाइप लगाया गया है 2-3 किलोमीटर उधर है, वो नदी के अंदर से ये सारे पत्थर और रेत यहाँ से आ रहा है। ड्रेगिंग किया जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों धन्यवाद। ये वहाँ दोस्तों, मैं अभी ये किस तरीके से काम करता है हमारा सर से जानने के लिए कोशिश करूँगा, आपको बताएंगे जरूर। धन्यवाद सर। ये किस तरीके से काम करता है आप लोग बता दीजिए थोड़ा। ये देखिए, नदी का अंदर में से कटिंग हो रहा है। लेजर है, अमेरिकन लेजर है। नदी के मतलब ठीक बहुत ठीक से जा रहा है। बालू पत्थर जो भी हो तो आएगा, पाइप के अंदर से सब आ रहा है, कटिंग होगा और नदी दूसरा जगह से बैठी जाएगा। जो गांव वालों को नुकसान कर रहा है, अभी नदी उस तरफ जाएगा, गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। धन्यवाद आपको। यहाँ पे मेरा कुछ दोस्त लोग हैं, कुछ 4 लोग हैं जरूर, उनको भी एक बार स्लिप में लेने के लिए चाहूंगा अगर परमिशन देंगे तो। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद मेरा तरफ से सभी को। धन्यवाद। दोस्तों, मेरे पास जो भी जानकारी था आप लोगों को दिया और इस यहाँ तक लाने के लिए आने के लिए एक भाई ने मदद किया है। मैं भाई को भी जरूर मेरा ब्लॉग में दिखाना चाहूंगा आपको। अगर ये भाई नहीं होते तो मैं भी शायद यहाँ पे नहीं पहुँचता आज। धन्यवाद इस भाई को जिन्होंने मुझे मदद किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये भाई है और ये बाइक में मैं आया हूँ। इस भाई ने मदद किया है मुझे। हमारा घर का सामने ही है, अनु भैया है इनका नाम। जरूर आप लोग भी किसी दिन अगर मौका मिलेगा तो इनके साथ भी और बड़ा ब्लॉग में आपको लेके जाऊंगा। धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो का आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद इसके लिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट का हमें इसी तरीके से जरूरत।